साथ मिसी टोई मौजूद है। कैमिकुम वालेकुम सलाम टोटो, आज कुछ कुछ नहीं बनाएंगे टेबल साहब है। आज कुछ नहीं बनाना, बस ऐसे ही टोटो से बातें करते हैं। चलो हम लोग बातें करते हैं, लेकिन बातें भी तो बाद में करेंगे ना। पहले क्या करना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। बताइए हमें आप क्या सीखना चाहते हैं, आपको क्या क्या पसंद है और टोटो की बातें कैसी लगती हैं, टोटो की प्यारी प्यारी बातें आपको कैसी लगती हैं, आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं जरूर बताइए। और उसके अलावा बेल का बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक है? जरूर दबा दीजिएगा, लेकिन किसी के घर का नहीं। आज जो है मैं सिर्फ अरेंजमेंट बता रही हूँ, ठीक है? अच्छा। और ये फैन मिल जाता है आराम से बाहर से शॉप से, तो आप हैंड फैन है इसे आप लीजिए और हम सिंपल इसे अरेंज करना बताएंगे। ये वॉल हैंगिंग तैयार है, ओके, ठीक है? चलें, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लू देख लीजिए। अच्छा, देखिए ये यू है ना, तो अब हमें यू नहीं रखना, अब इसे हमने ऐसे रखना है, खोल देंगे क्योंकि हमने अरेंज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, खोल देंगे इस तरह, बिल्कुल इसको चिपकाना है। थैंक यू टोटो, आप कर रही हैं तो जल्दी हो जाएगा, इसको इधर करके जाइए ताकि ये खुलता जाए। ये देखिए इस तरह हमें पूरे इस पे सब स्टिक्स पे हमने ग्लू लगा दी। पिटाई थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ जरा लगता है, थोड़ा सा बस इस पे लगेगा, बाकी फिर आप चाहें इस पे कुछ भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, कॉमिक से या आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं उससे, या आप कुछ भी रिबन वगैरह डोरी से जो आपका देख चाहिए। आपकी फिंगर्स तो नहीं चिपकी, मैं बचा के रख रही हूँ आज, टोटो के हाथ खराब हो रहे हैं। ये देखिए ये भी चिपक गया साथ, ठीक है? ये ऐसे हो गया, उसके बाद ये और चिपकेगा, लेकिन जरा सा इसे ड्राई करने देते हैं। ऐसा करते हैं हम इसमें जो है अब डेकोरेशन इसकी जो है डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, इसको ड्राई होने दें तो ये फौरन से निकल जाएगा, गीला जब तक ये वेट होता है उस तक ये ग्लू जो है वो खराब करता है, ड्राई हो जाएगा तो आप वहां से ही निकाल लेंगे। हाँ ये नहीं, थोड़ी देर हम यू रखते हैं और अगर आप चाहें तो पीछे से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको ये तरीका बता दिया, बैक साइड पर भी थोड़ी ग्लू लगा लें ताकि ये वो ना लगा देते हैं थोड़ी सी हम इधर भी, यहाँ लगाई थी हमने, वैसे मेरे ख्याल में नहीं होगा, अभी बच्चे को आइडिया हो गया है, हम इसको अरेंज करना बता दें। येलो कलर की पार्ट से। अच्छा देखिए ये फ्लावर्स मैंने काट लिए हैं, आपको बहुत दफा बताया था स्टेंसिल्स बना लीजिए और उसके फ्लावर्स काट लीजिए, मैंने ग्लिटर शीट से बनाए हैं, आप चाहे तो सिंपल जो कॉमिक होती है उससे बना लीजिए। पहले हम रख के देखेंगे और ये तो है गोल गोल भी है ना, ये हम पहले अरेंज करेंगे इसे, उसके बाद बस उड़े नहीं ये ख्याल रखेंगे हम। अब देखिए ग्रीन कलर है, सर्कल तो नहीं है ना, चलिए देखते हैं। ये देखिए हम इसे सेट करेंगे पहले टोटो, ठीक, उसके बाद हम इसे
अभी इस, आपको नजर नहीं आ रहा होगा सही से, जब ये अरेंज हो जाएगा सिर्फ हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर रहे हैं। हाँ, ये पेपर लगेगा और देखिए हम चाहें तो जितना चाहें हम इसको, अभी हम ग्रीन कलर भी इसमें यूज करेंगे। एक और भी चाहिए होगा, ये इसका बैलेंस खराब हो जाएगा अगर हम यहाँ ऐसे लगाएंगे या तो फिर यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब देखें अब हम क्या करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है हमें, तीन बस मेरी ये रखें। और ये ग्रीन अब हम इसे पहले स्टिक करना शुरू करेंगे, फिर इसके सर्कल काटेंगे और लीव्स काटेंगे। पीछे निकला हुआ है सम, अब देखें टोटो कितनी समझदार होगी, इसको पता चल गया वरना वो चिपकेगा। तो ये देखिए यहाँ लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे। लेकिन उससे पहले हाँ, ताकि ये चिपके तो साथ ही हो गया, ये बाद में हम उसे चिपका देंगे। ये साथ साथ सर्कल भी हम चिपकाते जाते हैं ताकि जो चीज जमा है वहीं पे वो रुक जाए, उड़े। देखिए कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास चीजें पड़ी हों, ये पुराना फैन एक ऐसे पड़ा हुआ था बात का, मैंने ले लिया, मैंने सोचा इसको अरेंज करना बता दूं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो है बनाने के अलावा अरेंजमेंट भी आनी चाहिए। क्या ख्याल है टोटो, कोई हमारे पास टूटी हुई प्लेट होती है, बार बार टूट जाती है ना, साइड से कोने वोने टूट जाते हैं तो हम फेंक देते हैं, लेकिन उस प्लेट को भी अरेंज करना मैं आपको किसी और बताऊं। ये हो गया ठीक है, हो गया। अब देखिए ये बन गया, कितनी जल्दी बन गया है। अब हमने क्या करना है, इसको हटाएंगे हम और ग्रीन शीट लेंगे और ये पैन को भी उठा के देखेंगे, पता चलेगा। देखिए ये शक्ल अभी बनी है, अभी ये और अरेंज हो रहा है। सिंपल सीजर नहीं, सॉरी, ये आप मुझे जिगजैग दें क्योंकि मुझे सर्कल काटना है और ये काट निकाले नहीं कर, अभी ना निकालो इसलिए कि आप सर्कल लगा लो। ये बड़े प्लास देखो, थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा सोच के आइडियाज निकाल के देखिए कितनी अच्छी चीज बन जाती है। एक आपकी वॉल हैंगिंग तैयार हो जाएगी। देखो इतना ही है, अगर ये बड़ा है तो इसको मैं शॉर्ट थोड़ा छोटा करूँ। सही बड़ा लग रहा है, ये देखिए देख लीजिए बड़ा ना हो। चलिए हो गया, अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो है सर्कल वो काट के मैं दूंगी टोटो को, टोटो को लगाए क्योंकि हमने कंप्लीट करना है ना, अच्छी चीज तो बनाई ना कम से कम। देखना अगर ये इसमें तो स्टिकर ही उतार दो, क्या ख्याल है, अगर नहीं लगे तो फिर तो और अगर नहीं है तो जो बड़ा हो तो मुझे दे देना, मैं असल में वो शॉर्ट कर दूंगी। ठीक है, ये आपका देखिए कितना अच्छा ये बन जाएगा, हॉल हैंगिंग
और आपको घर से ही कोई चीजें आपके ऐसे निकल आती हैं आप बना सकते हैं। और ये ग्लिटर शीट तो बहुत आम मिल जाती है शॉप से। ग्रीन और येलो का कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है। टोटो ने आधा काम तो टोटो करती है मेरे साथ, तभी तो मैं जल्दी जल्दी कर पाती हूँ, वरना ये टोटो ना करे तो काफी देर लगे। और फिर टोटो की मजे मजे की बातें भी हम साथ साथ सुनते जाते हैं। जल्दी हो जाता है, घर का काम भी ऐसे ही होता है ना, मिलके करते हैं, अम्मी के साथ करते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। कितने सर्कल चाहिए, बस एक और चाहिए, वन मोर। ये हो गया, अब हम क्या करेंगे इससे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चमक चमक। लीव्स बनाना देखिए कितना आसान है, आराम से। अब बस एक दो दफा प्रैक्टिस करें। अब ये देखें, यहाँ इस तरह लगाएं कि हमारा सर्कल सर्कल जो है वो सर्कल के ऊपर जाए, ठीक है। जबरदस्त चिपका दिया, ये देखिए ये बन गया। हाँ, उसके साथ आप सेटिंग ऐसे करो, ये सर्कल के ऊपर दिया है, बराबर है ना। हाँ ठीक है, अच्छा एक लीव मैं आपको काट के देती हूँ, आप इसके इधर लगा के देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो हम लगाएंगे, वरना हम छोड़ देंगे। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ यहाँ लगा देते हैं, लग जाता। इसको चाहे तो हम थोड़ा सा ग्लू लगा के, वरना ऐसा भी रहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक। अच्छा अब देखिए ये हमारा ये ऐसा होता है जब इस तरह की चीजें बनाते हैं तो नीचे जरूर कोई कपड़ा रख लें, या कपड़ा नहीं वो चिपक जाएगा, इस तरह का कोई प्लास्टिक या कुछ ऐसा कर लें। अब ये देखिए ये हमारा फैन या वॉल हैंगिंग जो है वो तैयार है। अब आप चाहें कि यूं इसे हैंग करना वॉल पे तो भी सही है, और अगर आप इस तरह चाहेंगे तो भी सही है। अब उसके लिए क्या करना होगा टोटो बताओगी? अगर तो हमने यूं किया तो यहाँ हम होल करेंगे, एक होल करेंगे क्योंकि ये चिपक चुका है, जरा थोड़ी देर और अभी जरा हो जाए तो यहाँ हम होल करेंगे, और ये देखिए यूं चिपक जाए, यूं, ठीक है ठीक है। और अगर हमने यूं करना है तो उसके लिए बेस्ट ये लगाया हमने, या किसी भी तरह से थोड़ा सा चौड़ा हमने ऐसे कर लिया ताकि वो फिक्स हो जाए, ठीक है। और ये देखिए, और इसमें एक हॉल करेंगे और लगाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये यूं ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा आइडिया तो ये है कि यूं, और अगर गर्मी लगे तो वॉल से उतारे। आप चाहें तो यहाँ भी अगर टोटो की क्या ही बात है, टोटो तो अभी से ही गर्मी लग रही है, यहाँ चाहे तो यहाँ भी लीव्स लगा सकते। अब आप बताओ टोटो,
नहीं सही है, चलो बस टोटो की बस है ना, टोटो को सही लग रहा है। ये बन गया और अब जो है वो हम लोग जा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट शो के लिए वहाँ जाना है। बिल्कुल इंशाल्लाह, आप लोग इसको बना के Thank you.